देखो यार, कुछ लोग होते हैं जिनके माँ बाप चाहते हैं, मतलब सबके माँ बाप चाहते हैं उनके बच्चे पढ़ लें, पर कुछ के साथ मसला ये है कि सिर्फ उनके माँ बाप चाहते हैं। एम ट्राइंग दिस फॉर सेकेंड टाइम। टांगे अभी भी कांप रही हैं। भाभी नहीं, अब इमेजिनेशन वाले लोगों के बारे में बात नहीं करना। अच्छा, इंटर तो सबने कर रखा है ना यहाँ पे, है कोई? टेन तो भाई निकल जाओ, गरीब लोग तो। अच्छा, इंटर में ना वो कॉम्पिटिशन्स कराते हैं जो हमारे आसपास के फरहान फरहानदीन यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, वो आगे कॉम्पिटिशन्स कराते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर्स ले जाते हैं स्टूडेंट्स के, इंटर वालों के, और बाद में कॉल करते हैं उनके। कॉल कब करते हैं? जब रिजल्ट आ जाता है। इंसान कैलकुलेशन कर रहा है, मैथ में लग गई, फिजिक्स में लग गई, केमिस्ट्री में लग गई, जायदाद से बेदखल हो जाएंगे, और ये अपनी कॉल कर रहा है। तो अच्छा, इनके कॉम्पिटिशन भी हल्के फुल्के नहीं होते हैं। कॉम्पिटिशन के नाम होते हैं अरिथमेटिक टेस्ट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और जनरल नॉलेज क्विज क्विज, हाँ, JH, इंटरफेरोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, स्पेक्ट्रोस्कोपी, फलाना ढिमकाना कॉम्पिटिशन। और जनरल नॉलेज क्विज का इनका पहला सवाल, इनकी यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुई थी? भाई ये जनरल नॉलेज है। अच्छा, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आती हैं हमारे यहाँ भी। अच्छा, ये इनका ना एजुकेशन पे कुछ खास फोकस नहीं होता, इनका मेन फोकस होता है नाम क्या रखना है यूनिवर्सिटी का। बहुत बहुत शानदार नाम रखते हैं, रॉयल यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ग्लोबल कॉलेज। और भाई एक ने करा दी फ्यूजन रिएक्शन, रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है आसाम में, चेक कर सकते हैं। लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनका अपना लक्ष्य नहीं पूरा हो रहा भाई, 100 बच्चों की क्लास में 50 बैठते हैं इनके यहाँ। और उसके बाद में सबके अब्बा, फ्यूचर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। IIT अकेला इंस्टीट्यूट है, इनका ग्रुप चल रहा। अच्छा, आई एम वेरी लकी, मेरे पास इनसे कॉल आई। अच्छा, कॉल आती है तो आ जाती है, हेलो। और भाई कसम खुदा की, ऐसी खूबसूरत कम से नज़ाकत भरी आवाज, शक्ल भाई ने खुद इमेजिन कर ली। अरे हेलो, सैयद मोहम्मद सुहेब कलीमी बोल रहे हैं? बोलना तो चाह रहे, आवाज देने के लिए बोलते बोलते आपने अभी इंटर किया है PCM से? हाँ, जैसे तैसे कोशिश तो पूरी करी। आपकी परसेंटेज? 33%। बहन की वो खूबसूरत सी नज़ाकत वाली आवाज़ बदल गई, थोड़ी भद्दी सी हो गई। कहती हाई स्कूल में 5.8 CGPA। 2 मिनट का साइलेंस। मतलब जितनी तकलीफ मुझे, सदमा मुझे, मेरे फैमिली को, मेरे पूरे खानदान को, मेरे बाप को नहीं हुआ, उससे ज्यादा सदमा बहन को हो रहा। हाँ, अपने तो बहन ही है, देखो बाकी कुछ होना नहीं है तो सुकून से बहन ही सही है। तो हाँ, इज्जत इंपॉर्टेंट। अच्छा, उधर हो गया 2 मिनट का साइलेंस, उधर से आवाज आ रही, हेलो हेलो। मैंने देखो, मुझे पूरी आवाज़ साफ आ रही है, अगर आपको फ़ोन काटता हूँ आप काट दो, मुझे कोई मसला नहीं है। कहते नहीं नहीं सर, ऐसा कोई मसला नहीं है सर, आप ये कम कैसे रह गई, मतलब क्या वजह रह गई, क्या हुआ? मैंने देखो यार, कुछ लोग होते हैं जिनके माँ बाप चाहते हैं, मतलब सबके माँ बाप चाहते हैं उनके बच्चे पढ़ लें, पर कुछ के साथ मसला ये है कि सिर्फ उनके माँ बाप चाहते हैं। और यार मेरे पास और भी इम्पोर्टेंट काम है पढ़ाई वढ़ाई के अलावा, जैसे यही। तो मैं कहती तो सर, वैसे फिर भी सर, आपके आगे के कुछ प्लान्स सर, कुछ आपने कुछ सोच कर रखा हो, मतलब? पर हाँ, वैसे जुगाड़ वाली BSc का फॉर्म डाल दिया कानपुर से, लेकिन वैसे ये है कि तैयारी चल रही है, और IIT मिल जाएगा इंशाल्लाह, और BTech कर लेंगे, कंप्यूटर साइंस से हो जाएगा।
सेटल सेट है वो सोच रही है बोलना क्या है उसने फोन भी नहीं काटा इतनी देर से। कहीं सर फिर भी इन केस अगर आप चाहें हम आपको अपने यहाँ चांस दे सकते हैं, हमारे यहाँ बीटेक कर सकते हैं आप कंप्यूटर साइंस से, इसी साल आपको दे देंगे हम मौका और आपको लीजिएगा। मैंने देखो एक तो तुम्हारा फ्यूचर अपना कुछ पता नहीं है भाई, आईआईटी मटेरियल तो कॉन्फिडेंस तो ऐसा है कि आई एम सॉरी। बोली सर फिर भी अगर आप एक बार सोचना चाहें तो, मैं ठीक है फीस कितनी है आपकी, तो कहते हैं अराउंड 70,000 स्कॉलरशिप वगैरह देके हम लोग पर ईयर बीटेक की फीस चार्ज करते हैं। बट सर वी आर रियली रियली सॉरी, बहुत तकलीफ है हमें सर, लेकिन आपको हम ना तो स्कॉलरशिप देंगे ना आपकी कोई प्लेसमेंट की गारंटी रहेगी ना किसी बड़े इंटरव्यू में आप बैठ सकते हैं, और सर हम आपको बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिलवाएंगे। सर वी आर रियली सॉरी, 140,000 में पर एनम आपका बीटेक करवा देंगे हम इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। मैं नहीं देखो ऐसा है बीएससी चल रही जुगाड़ वाली और फॉर्म अपना आईआईटी तो है ही, तो कह रही ठीक है सर कोई बात नहीं, अगर आप 2 साल 4 साल 6 साल तैयारी करने के बाद भी कभी आना चाहें हमारी यूनिवर्सिटी में आईआईटी की। इस पर हंसना नहीं था यार, ये बेइज्जती वाली बात थी तो ये दिल पर लगती पार्टी, तो कहते अगर आप कभी भी आना चाहें वी विल ऑलवेज वेलकम यू। मैंने शुक्रिया काट दिया। अच्छा इतना तो पता चल गया कितने बड़े टॉपर थे हम स्कूल में, आईआईटी तो ऐसे। अच्छा ऐसे टॉपर्स जो होते हैं ना अपने, जैसे ये और चीज़ों में भी टॉपर रहते हैं, पता होगा सबको। आई एम एक्सप्लेनिंग। एक बार हमारा एक दोस्त कम से कम 4-5 लौंडे तो सही से भंगी बना के मारा जा रहा था भाई, दूर से देखा अच्छा भाई तो यूपी से आ रहे हैं हम लोग को यही काम है हमारे, दूर से देखा ये हमारा दोस्त पीट रहा, दौड़ के पहुंचे फौरन क्या चल रहा है, पहले जाके वहाँ सिचुएशन एनालाइज करी अपनी एक्सपर्ट एनालिसिस लगा के, भाई वहाँ 3-4 लौंडे उसको मार रहे हैं, 2-3 हमारे भी खड़े हुए। अच्छा कन्फ्यूजन सबसे बड़ा क्या है कि ये अकेला क्यों पिट रहा है, 2-3 और भी तो खड़े। तो मैं पूरी सिचुएशन एनालाइज करी एंड मैं समझ में आया यहाँ कमी लीडरशिप की है। यूपी वाले तू यहाँ खड़ा हो, तू यहाँ खड़ा हो, दे मुक्के भाई साहब सुअर बना दिया उसे। साउथ की मूवी चल रही है सिर्फ 30 सेकंड तक, उसके बाद पीछे से पड़ी लाते घूसे सरिए। हाँ इधर यूपी में चलते हैं हमारे, यहाँ चलते हैं यूपी में। भाई पीछे घूम के देखा एक्सपर्ट एनालिसिस फेल हो गई, 10 लौंडे उनके खड़े थे बैकअप में जो एक्शन में थे, हमारे फरार हो गए, एक पड़े थे उनका सीन यह था अस्पताल ले जाना या कब्रिस्तान। भाई बहुत सही से सुताई हुई उस दिन, लेकिन अपना मुंह बचाया, मोहम्मद अली बन गए ऐसे 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 करके, भाई सारे सरिये पड़े, कोनियां छिल गई, हड्डियां छिरक गई, लेकिन अपना मुंह बचाया। और भाई उस दिन जिंदगी ने एक चीज सिखाई, उड़ता तीर जो है ना उड़ते ही छोड़ दो, फ्री में मत पकड़ो। That was from my side. Thanks a lot.